Dear students, in this session, we will discuss about activity number 16 of standard 9 English language. इसमें देखिए, ये जो activity है, this activity is about quotes, जो मुख्तलिफ quotes होते हैं, जो writers होते हैं या thinkers होते हैं, तो उनके मुख्तलिफ quotes होते हैं, जिसे उर्दू में कहते हैं हवाले. तो उस ताल्लुक से ये एक्टिविटी है, काफ़ी इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है. आप इसे समझने की कोशिश करें कि देखिए, जैसे यहाँ पर उसकी एक एग्जांपल दी हुई है कोट की, डाई विद मेमोरीज नॉट ड्रीम्स. दिस इज अ कोटेशन, या जिसे हम कहेंगे कोट. तो इन अ शॉर्ट वर्ड्स कुछ डीप बात जो है, कुछ मैसेज देने की कोशिश की जाती है, कुछ गहरी बात कही जाती है, कुछ पैगाम दिया जाता है, उसे कोट कहते हैं. तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल कोट की दी हुई है, डाई विद मेमोरीज नॉट ड्रीम्स, यानी डाई विद मेमोरीज, कुछ यादों के साथ इस जिंदगी से जाइए, नॉट ड्रीम, ख्वाबे के साथ नहीं. यानी हमें जब हम इस दुनिया से जाए तो इस तरीके से जाना है कि हम कुछ ऐसे ग्रेट अचीवमेंट करेंगे, उसकी यादें जो है दुनिया में जो जिंदा रहे. सिर्फ ख्वाब देखना है और ख्वाब अधूरे रखना है, इस तरीके से हम हमारी जिंदगी कामयाब हुई हम नहीं कह सकते हैं. तो यह इस कोटेशन का मतलब हुआ, देखिए जो यहाँ पर दिया हुआ है. इसी तरीके से अदर एक कोटेशन दिया हुआ है, विच इज ऑफ नेल्सन मंडेला. नेल्सन मंडेला जो थे, ही वॉज द फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका, है ना, और उन्होंने साउथ अफ्रीका में जो है वो फ्रीडम स्ट्रगल में एक अहम किरदार अदा किया था, जैसे हमारे यहाँ पर महात्मा गांधी ने किया था. तो उनका एक कोटेशन यहाँ पर दिया हुआ है, एजुकेशन is the most powerful weapon which you can use to change the world. यानी education एक ताकतवर weapon है, एक हथियार है, जिसके जरिए आप दुनिया को बदल सकते हैं. तो अक्सर हम देखते हैं कि जो quotation होते हैं, अगर आप internet पर search करें तो जो quotation होते हैं, जो thinker होते हैं, उनके नाम के साथ वहाँ पर quotations दिए होते हैं और उसको highlight किया जाता है different picture के जरिए. Another quotation देखिए यहाँ पर है, health is a state of complete harmony of the body, mind and spirit. यानी जो अच्छी सेहत है वो हार्मनी मीन्स जोड़े रखना, यूनिटी जिसका मतलब होता है, ऑफ द बॉडी माइंड एंड स्पिरिट, है ना, हमारी जो बॉडी है या जो माइंड है, दिमाग है, और स्पिरिट है जो रूह है, तो उसकी यूनिटी होती है. इसी तरीके से नेक्स्ट है, द पर्पस ऑफ आवर लाइफ इज टू बी हैप्पी. हमारी जिंदगी का मकसद क्या होना चाहिए, कि हम हमेशा खुश रहे. तो इस तरीके से मुख्तलिफ कोटेशन यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर आपके सामने दिए हुए. तो अदर कोटेशन देखिए, एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ जो इस एक्टिविटी के अलावा जो है दी हुई है, वो देखिए. अब देखिए यहाँ पर एक कोट दिया हुआ है, जो अमेरिकन फॉर्मर प्रेसिडेंट थे बराक ओबामा, उनका एक कोट यहाँ पर दिया हुआ है. द कोट इज, नो मैटर वॉट हैपन्स द सन विल राइज इन द मॉर्निंग. नो मैटर वॉट हैपन्स, यानी जो कुछ भी होता है वो कोई अहमियत नहीं रखता है, द सन विल राइज इन द मॉर्निंग, सुबह सूरज निकलेगा. यानी किसी भी वजह से वक्त रुकता नहीं है, वक्त आगे बढ़ता रहता है, ये इस कोट का मतलब होता है. मुख्तलिफ कोट्स जो है, जो कहावतें हैं वो आपको अलग अलग सोर्सेज से हासिल कर जो है अपनी कॉपी में नोट डाउन करना है. ये आपका इस एक्टिविटी में असाइनमेंट रहेगा. और मैं आपको आसान तरीका बताता हूँ कि आप चाहे तो इंटरनेट से बहुत सारे कोटेशन जो है वो हासिल कर सकते हैं, बट इम्पॉर्टेंट ये क्या है, यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस कोटेशन, आपको उसको समझना भी है. और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको यहाँ पर ये बताता चलूँ कि ये जो ब्रिज कोर्स की एक्टिविटीज़ है, उसकी जो PDF फाइल है, उसके लिंक जो मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप उसको जो है डाउनलोड कर सकते हैं, ताकि आप उसको देखकर आसानी से तमाम एक्टिविटीज को समझ सके. अब हम नेक्स्ट सेशन में एक्टिविटी नंबर 17 पर डिस्कस करेंगे. टिल देन, गुड बाय.